बहराइच में रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा के लिए बंद किए जाने के विरोध में सैकड़ों लोग मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतर आए। बहराइच शहर के दरगाह इलाके में बहराइच भिनगा मार्ग पर बीते कई सालों से संपार फाटक संख्या 42 बना है। इस क्रॉसिंग से रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, जिसके ऊपर अब फ्लाईओवर ब्रिज बन जाने के कारण रेल विभाग उसे बंद कर रहा। इसी बात का विरोध करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। उन लोगों का कहना है कि क्रॉसिंग से हजारों लोग रोज आते जाते हैं, इसके बंद होने के कारण वहां रहने वालों को वहां से आने जाने में काफी समस्या होगी। इन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है क्रॉसिंग को बंद ना किया जाए। बहराइच की जनता का नेतृत्व है और मांग ये है कि बहराइच जनपद में संपार संख्या 42 जो कि बहराइच भिनगा राजमार्ग संख्या 96 के ऊपर बनी है और वर्तमान समय में यातायात फ्लाईओवर के ऊपर से और नीचे दोनों से पर्याप्त रूप से हो रहा, रेलवे द्वारा सीढ़ी बनाने के उपरांत फाटक बंद करने की तैयारी की जा रही है। इसलिए माननीय योगी सरकार से निवेदन है कि 4,13,58,000 रुपए जो रेलवे की मांग है उनको दे दिया जाए ताकि जनमानस को हो रही आने वाली असुविधा से बचा जा सके और इसी तरह यातायात ऊपर और नीचे दोनों तरीके से चलता रहे। धन्यवाद। आपने मांगे की है, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो आगे आप लोगों की क्या नीति? ये मांग नहीं है, रेलवे ने लिख के दिया है कि 4,13,58,000 रुपया हमने खर्च किया है, 19 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने लगाया है। अगर ये भी 4,13,00,000 रेलवे का पैसा राज्य सरकार वहन कर ले तो यथास्थिति बरकरार रह सकती है। अब राज्य सरकार से निवेदन है जहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से इतने बड़े रोड बनाए जा रहे हैं तो बहराइच की जनता को 4,13,00,000 दे दे ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट।